बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। और जैसे कि हमने स्टार्ट किया है बीआरएस फिजियोलॉजी का अपना सेशन, तो हम इसे चैप्टर वन से ही स्टार्ट करेंगे। और बीआरएस फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है आपके एफसीपीएस पार्ट वन प्रिपरेशन के लिए। आप अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप जा रहे हो, आपके लिए बीआरएस फिजियोलॉजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। सो हम चैप्टर वन से स्टार्ट करेंगे। बीआरएस फिजियोलॉजी का जो हमारे पास पहला चैप्टर है विच इज़ सेल फिजियोलॉजी। सेल के बारे में तो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम होगा, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसके जो थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, तो सबसे पहले क्योंकि हमारी बुक में जो टॉपिक दिया हुआ है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, तो हम क्यों ना अपना टॉपिक सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट करें। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपको पता ही होगा कि सेल मेम्ब्रेन इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ योर सेल। ठीक है, और इट इज़ लाइपोप्रोटीन इन नेचर, यानी कि लिपिड इंटरप्रेस्ड विद प्रोटीन इन योर सेल मेम्ब्रेन, एंड लिपिड आर मेनली द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन। अगर आप देखें तो आपको ये बात मालूम होगी कि हमारे पास जो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का देखें, तो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन इट इज़ लिपिड बाई लेयर मेम्ब्रेन, यानी टू लिपिड्स की लेयर हैं। ठीक है, और जिसमें हमारे पास लिपिड लेयर में हमारे पास इसमें जो इसका लिपिड कंपोजिशन होती है, हमारे पास उसमें फॉस्फोलिपिड्स आते हैं विद ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। अगर हम इस लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन की बात करें तो आपको पता है ये इस तरीके से होती है, दिस वन। ठीक है, ये इसकी कंपोजिशन, इस तरीके से आपकी लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन होती है ये। अब इसमें हमारे पास एक हेड होता है जो आउटर बाउंड्री जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हेड कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, दीज हेड्स आर बेसिकली योर हाइड्रोफोबिक, बिकॉज ये हमारे पास क्या होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, तो ये हाइड्रोफोबिक होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड। वाइल जो इनकी ये टेल्स होती हैं, अगर इंटरनली देखी जाए तो ये इसकी टेल्स हैं, ये हाइड्रोफिलिक होती हैं। इसमें हमारे पास क्या होता है, फॉस्फोलिपिड विद ग्लिसरॉल। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लिपिड बाय लेयर का यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जाए, लिपिड बाय लेयर मेम्ब्रेन में टेल इज़ मेड अप ऑफ योर फॉस्फोलिपिड एंड ग्लिसरॉल, वाइल द हेड इज़ मेड अप ऑफ योर फैटी एसिड्स। ठीक है, फैटी एसिड्स नाम से जाहिर है आपको खुद भी पता है पहले से कि जितने भी हमारे पास फैटी एसिड्स या लिपिड्स होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास, क्योंकि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई वो ओवरऑल अगर देखा जाए एक्सटर्नली तो वो फैटी एसिड से कवर हो गई, और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास लिपिड हैं, तो लिपिड से सिर्फ लिपिड ही डिजॉल्व हो सकते हैं। तो लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस कैन ईजिली क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस आर बेसिकली योर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर स्टीरॉयड हार्मोन्स। ठीक है, ये हमारे पास लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं, ये आपके हाइड्रोफोबिक लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, जबकि वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस जैसे कि सोडियम क्लोराइड ग्लूकोज एंड वाटर कैन नॉट क्रॉस योर लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन लिपिड्स। ठीक है, सो दे रिक्वायर द चैनल प्रोटीन, दे रिक्वायर द कैरियर प्रोटीन टू ट्रांसपोर्ट थ्रू दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही, ये हमारा वेरी फर्स्ट टॉपिक हो गया कवर। इसके अलावा मैं आपको कुछ एडिशनल पॉइंट बताती चलूँ जो कि राबिया अली से मैंने नोट किए हैं। ठीक है, कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है इट इज़ अबाउट 7.5 to 10 नैनोमीटर, लिपिड कंपोनेंट ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर प्रोटीन, 2:1 का रेशो आता है इसमें। ठीक है, और जो हमारे लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेज होते हैं जो क्रॉस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू क्रॉस करते हैं, वाइल जो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज होते हैं वो हमारे कैरियर, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेज वो डायरेक्टली क्रॉस नहीं करते, तो दे रिक्वायर द कैरियर एंड द चैनल प्रोटीन। सही, और दूसरी बात ये हो गई कि आपकी जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड इन नेचर होती है, तो इट रिक्वायर फ्लूडिटी को मेंटेन रखने के लिए, हमारे पास इसकी फ्लूड नेचर को मेंटेन रखने के लिए अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स रिक्वायर होते हैं। और रेगुलेटर अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हम कंसीडर करें बॉडी में कि कौन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंसिस्टेंसी को रेगुलेट कर रहा है आपकी बॉडी में, तो ये आपका कोलेस्ट्रॉल होगा। ठीक है, अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक खास बात जो गाइटन में भी लिखी हुई है, राबिया अली में भी लिखी हुई है, वो ये कि हमारे पास लिपिड रैफ्ट्स। लिपिड रैफ्ट्स क्या होते हैं, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। लिपिड रैफ्ट बेसिकली अगर हम देखें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि एक स्मूथली जा रही है उसमें छोटे छोटे से डिप्रेशन आते हैं, इन डिप्रेशन को हम कैव्युलाई या लिपिड रैफ्ट्स कहते हैं। अब ये डिप्रेशन क्यों आते हैं, ये डिप्रेशन बेसिकली कोलेस्ट्रॉल कम्बाइंड विद फॉस्फोलिपिड बनाते हैं हमारे पास केव लाइक अपेयरेंस, और जिनको हम लिपिड रैफ्ट्स या कैव्युलाइज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई लिपिड बायलेयर की बात। तो सेकंड पार्ट जो हमारे पास इसका है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, दैट इज़ प्रोटीन। तो प्रोटीन हमारे पास अगर देखी जाए
तो टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड द पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल प्रोटीन्स नाम से जाहिर है अंदर की तरफ जाएंगी, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती हैं थ्रू आउट योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जो है स्पैन करती हुई जाती हैं, ठीक है। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन्स जो होती हैं ये लूजली अटैच या कोवेंट जो है वो कोवेलेंटली ये हमारे पास अटैच होती हैं ओनली टू दी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी हमारे पास इसकी सिंपल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होती है। अब इंटीग्रल प्रोटीन क्योंकि हमारे पास होल थिकनेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्पैन करती हुई जाती हैं, तो ये हमारे पास चैनल्स बनाती हैं, ये हमारे पास चैनल्स बनाती हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। तो इनको हम इसमें हमारे पास आयन चैनल्स आ जाते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स आ जाती हैं, रिसेप्टर्स आ जाते हैं, जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर द एग्जांपल्स ऑफ योर इंटीग्रल प्रोटीन। वाइल द पेरिफेरल प्रोटीन होती हैं क्योंकि ये हमारे पास सिर्फ सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर अटैच होती हैं, लूजली अटैच होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की मदद से, तो ये हमारे पास एक्ट करती हैं एज ए रिसेप्टर और एंजाइम ऑफ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का टॉपिक इतना ही था सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। होप यू गाइज लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, और इसी तरह इंशाल्लाह हम पेज बाय पेज चलेंगे, और जो एडिशनल गाइडन की नॉलेज है आई विल ऐड इन दिस वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।